आज आर्यजनों को मैं एक विशेष तोहफा के रूप में देना चाहूँगा कि भाई यूनुस आज 3-4 वर्षों से मुझे फॉलो कर रहा है, मेरे एक एक वीडियो को बहुत पैनी निगाह से देखा, सुना, समझा। पहले तो समझ में नहीं आई थी तो मेरे से तकरार भी हुई, जब मैं अच्छे ढंग से उनको समझाया तो वो सत्य सनातन वैदिक धर्म को स्वीकार किया है। कल 21/10/21 को मेरे बताए हुए हमारे माननीय वकील साहब के पास जाकर उसने ये अपनी हाल बताई और आगे के लिए कदम उठाया, और उसमें बैठे हुए श्री दिनेश जी भी मिले, जिनकी आवाज़ भी मैं आप लोगों को यहाँ दे रहा हूँ। उन दिनेश जी को दिलशाद नाम था उनका, दिलशाद चौहान, बुलंदशहर के रहने वाला है, उनको भी मैं वैदिक धर्मी बनाया हूँ कई वर्ष पहले। तो वो दोनों की मुलाकात कल हुई है और बहुत अच्छे ढंग से मिले हैं, बातें भी की हैं, और माननीय वकील साहब को साधुवाद है, धन्यवाद है कि उन्होंने इस तरीके से सत्य सनातन वैदिक धर्म को उजागर करने में मेरे सहयोग में लगे हुए हैं, मुझे भरपूर इस काम में सहायता करते हैं। अब तक जितनी लड़कियों को मैं मुस्लिम समाज से निकाल कर वैदिक परिवार में विवाह कराया हूँ, माननीय वकील साहब का बहुत बड़ा योगदान उन बेटियों के साथ है, और स्वयं कन्यादान करते हैं, कन्या, जबकि कन्यादान नहीं होता हमारे यहाँ, वो तो वर को स्वीकार करना पड़ता है, पतिग्रियामी करता हूँ, वर को कहना पड़ता है पतिग्रियामी मैं ग्रहण करता हूँ। हमारे यहाँ कन्यादान ही है, कन्या को ध्यान दान करने की वस्तु थोड़ी है, दान तो कपड़ा लत्ता किया जाता है, मकान बिल्डिंग किया जाता है, और कुछ भी दान किया जाता है, कन्या को दान नहीं है। कन्या को वो खुद कह रहा है मैं इसको ग्रहण करता हूँ, पतिग्रियामी बोला गया है। तो खैर, तो माननीय वकील साहब इस काम को कर रहे हैं बहुत पहले से, हमारे शुद्धि सभा से भी जुड़े हुए हैं और हमारे कानूनी सलाहकार हैं, इस तरीके से ये काम हो रहा है। तो आज तोहफा के रूप में 22/10/21 को मैं आप लोगों के सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ इस आवाज़ को। धन्यवाद के साथ पंडित महेंद्र पाल आर्य। ये इन्होंने एक संगठन बनाया हुआ है जी, और उसमें हम सब जुड़े हुए हैं, जुड़ते हैं, ठीक है। और इनमें खूबी ये है कि वो सबको साल में एक दो बार बुला करके किसकी मजबूरी क्या है, किसका किसके साथ क्या परेशानी है, वो सब सुनते हैं, उसके लिए हल करते हैं। जी जी जी, ये है। तो इस काम में मैं ही लगाया हूँ उनको। ये बहुत बड़ा आपने काम किया है और आपका नाम सदैव रहेगा दुनिया में। हर इंसान ये है कि आपकी तारीफ करता है, क्योंकि आप एक ऐसा काम कर रहे हो, ऐसे काम की ओपनिंग करने वाला बड़ा होता है ना भाई, हम शामिल हो गए आपके चेले बन के पीछे हो गए, हमारा इतना बड़ा काम नहीं है, बड़ा काम आपने ओपनिंग किया, शुरुआत किया। नहीं तो वो तो ठीक है, आपने उनसे बोला कि इस तरीके से मैं इस्लाम छोड़ने का मन कैसे बनाया हूँ, क्या क्या सारी बात तो मैंने बताई आपके आपके बारे में। आपका वीडियो भी उनको दिखाया, बताया, ये वीडियो मैं देखता था शुरू में जी, तो सारी बातें मैंने उनको बताई। बोली महेंद्र पाल जी का तो अगर कोई बंदा ध्यान से दो वीडियो भी देख लेगा तो चेंज हो जाएगा, और कोई ध्यान से ना देखे तो वो अलग बात है। अगर वो सच्चे मन से एक बार आपका वीडियो देख लेगा, दो वीडियो देख लेगा, तो वो चेंज हो जाएगा, क्योंकि उसमें झूठ कहीं नहीं मिलता, उसे अनसाइंटिफिक बात या कोई झूठी बात या इधर उधर की बात उसको नहीं मिलती है, बिल्कुल रियल ही जो लिखा वही मिलता है, जो हदीसों में लिखा है, कुरान में आयतें लिखी हैं, वही रियल मिलता है। आपने आपने ये क्लियर किया ना कि मैं इस्लाम इसलिए छोड़ रहा हूँ,
अरे बिल्कुल, एक बात क्लियर करती सर। थोड़ा क्या, 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 क्या बोला, पूरा बोलिए मुझे। मैंने उनको बोला कि मैंने किसी से, किसी के कहने से, किसी के दबाव में आके इस्लाम को नहीं छोड़ा। मैंने सबसे पहले ये बोला, मैंने खुद समझ के तब छोड़ा, क्योंकि मैंने मंदरबाजी का वीडियो देखना स्टार्ट किया। मुझे लगा कि ये गलत बोल रहा है, फिर मैंने उसको उसको चेक किया, कुरान से मैच किया, उनसे झगड़ा भी किया और झगड़ा भी किया। तो वो काफी मतलब बात हुई। वो फिर वो खुद ही बोला कि महेंद्रपाल जी का वीडियो जो बंदा ध्यान से देख लेगा वो चेंज होना ही होना, वो इस बात को मान गए। तो बातें तो खैर बहुत लंबी हुई आपके बारे में, तो बहुत ज्यादा बात। ये कल की तारीख की बात है ना? जी जी, यानी 21 तारीख। जी जी जी, कल 21 तारीख थी ना? जी। तो 21 अक्टूबर 21 को, अच्छा तो क्या नाम है, फिर कब बुलाया उन्होंने? उन्होंने उसमें जो कानून जो लागू किया है अभी यूपी सरकार ने, वो ये किया है कि 3 महीने का समय दिया है बीच में। अच्छा, अप्लाई करने के बाद का ये प्रस्ताव पास हो चुका है। नहीं, मैं इसलिए चाह रहा हूँ ना कि आप स्पष्टीकरण देंगे तो मैं इसको यूट्यूब में भी लगा दूंगा। जी जी जी, तो वो क्या है, 3 महीने के बाद ही उसमें आईडी वाईडी बनेगी। अच्छा, उससे पहले फॉर्म भर के फॉर्मेलिटी चलेगी जो भी चलेगी गवर्नमेंट की, उसके बाद में वो सब आईडी वाईडी बनेगी, शुद्धिकरण होगा, वो 3 महीने के बाद होगा। 24 जनवरी का उन्होंने डेट दिया। ठीक है, ठीक ये हुआ इसमें। और वो जो बच्चे आपके टच में और थे जो आने वाले थे, उन लोगों से भी कांटेक्ट रखिए। मेरे पास तो बहुत सारे हैं कॉलेज के, यूनिवर्सिटी में बहुत सारे हैं कॉलेज में, जो जो साइंस को पढ़ रहे हैं उनको पता है कि जमीन साकिन नहीं है। जमीन तो घूमती है। वो बहुत जल्दी आ जाएंगे। नहीं तो पूरा पूरा नाम क्या लिखवाया? मैं तो खाली सोनू के नाम से जानता था आपको। हाँ, मेरा मोहम्मद यूनुस नाम है वैसे। हाँ, यूनुस नाम, ठीक है जी जी, वही मैंने उनको आधार कार्ड दे दिया उनको मैंने। ठीक, उन्होंने अपने हिसाब से फॉर्म भर दिया, तो एड्रेस मैंने गाजियाबाद का लिखवा दिया। अच्छा, जो संगठन वाले हैं ना उन्हीं का लिखवा दिया, क्योंकि वहीं पर बैठ के काम करना, वहीं रहना, वहीं अपना ये वाला बिजनेस भी वहीं लेके चलेंगे, सिक्योरिटी वाला। ठीक है, ठीक, अपना ये काम भी चलता रहेगा, वो भी चलता रहेगा, दोनों काम चलते रहेंगे। आप गाजियाबाद में करेंगे? गाजियाबाद में बेटे का ससुराल है उनका। अच्छा जी, हाँ, ये तो अच्छी बात है। और मिलते रहेंगे, बहुत बढ़िया, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि हम काम करें तो एक अच्छी पावर के साथ करें। बिल्कुल बिल्कुल, जबरदस्त तरीके से करें, जो भी सिर उठा। लेकिन नीचे ले आए लीजिए सोनू को। हाँ लो पर। नमस्ते। हाँ नमस्ते, मैं आशा है ये चौहान साहब हमारे पुराने मित्र हैं और इनकी इनके लिए भी बहुत हम लोगों को भी स्ट्रगल करना पड़ा। और इनकी श्रीमती जी अब दुखद घटना सुनाई, इन्होंने अभी वो एक्सपायर कर गए बेचारी। हाँ, तो इनको इनको भी लाने में मेरा सहयोग रहा। बहुत बढ़िया बंदे हैं ये, बहुत नॉलेज भी इनकी बहुत अच्छी है और इंटरेक्शन भी बहुत अच्छा है। मुझे तो मिला है विश्व हिंदू परिषद वालों ने। अच्छा जी। हाँ, ये हिंदू जागरण मंच वालों ने, लेकिन उन्होंने कोई सहयोग इनको नहीं दिया, नहीं किया। जी जी जी। फिर ये कहाँ कहाँ घूमे, गुजरात गए, यहाँ गए, वहाँ गए, कैसे कैसे हुआ। तो वकील साहब से मैं ही मिलाया था इनको। वकील साहब, आप ही अकेले कमाओगे क्या? वकील साहब के घर में इनको ही मैं ले गया था। भाई 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 भाई। पति पत्नी दोनों थे। तो परमात्मा की कृपा है, ये सज्जन पुरुष हैं। जी जी। और फिर राजपूत हैं तो कम कम से कम वो सही बात है, राजपूत तो अलग ही होंगे। और मैंने प्रोग्राम इनको बताया है अपना, जैसा मेरा ये काम हो जाएगा